हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा 2022 का प्राइस 7.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 13.96 लाख रुपीस तक। ब्रेजा 2022 के अंदर आपके यहाँ पे पहले वाली ब्रेजा की तरह ही चार वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि है LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। जो इसके ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपके यहाँ पे इस पर ड्यूल टोन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर इस कार के अंदर देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कार की अगर बात करें तो ये इस कार का टॉप एंड वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 12.30 लाख रुपीस। इस कार के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जिनकी कि हम कम्प्लीटली आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इंजन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर 1.5 लीटर का K15C सीरीज इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 102 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और इसकी एयर ए क्लेम माइलेज है 19.89 किलोमीटर पर लीटर एंड 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ये इंजन इस कार में मिल जाता है। और अब कार के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व एलिमेंट्स का एम्बर एयर स्प्रे। इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस परफ्यूम से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनली बॉडी परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगने वाली है। बाकी इस परफ्यूम को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल्स को यूज़ करके बनाया गया है, तो ये ब्लेंडेड परफ्यूम इजीली अराउंड 2 to 3 मंथ्स तक लास्ट कर जाता है। तो ज़रूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सुजुकी का लोगो। साइड पर आप यहाँ पे इसकी देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल, जो कि आपको मिलती है ग्रे कलर के अंदर। ऊपर आपको यहाँ पे इस पे क्रोम इंसर्ट्स भी दिए गए, जो कि काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बाकी ग्रिल जो है वो इस कार की सीधा जाकर मर्ज हो जाती है इसकी हेडलैम्प से। हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे इस पे ड्यूल LED में दिए गए हैं, साथ ही आपको यहीं पर इस पे LED DRL और LED साइड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। बाकी नीचे एक साइड पर आपको इसके फॉग लाइट भी मिलती है एंड वो भी अगेन आपको यहाँ पे LED में ही दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिल जाता है कार का। फ्रंट एंड से सिल्वर कलर की आप यहाँ पे स्केट प्लेट नीचे की तरफ देख पा रहे हैं एंड अभी आप इस कार का व्हाइट कलर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन इस कार में मिल जाते हैं। और ना यहाँ पे आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है फ्रंट कैमरा भी एंड टोटल 4 कैमरास आपको यहाँ पे इस कार में मिलते हैं 360 व्यू के लिए। बाकी अगर बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपके इस कार के साइड प्रोफाइल में देखने को मिल जाते हैं 16 इंचेस के कुछ इस तरह के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिनका की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इनमें आपको यहाँ पे टायर्स की प्रोफाइल मिल जाती है 215/60R16। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे दी जाती है, पीछे की साइड पर आपको नम ब्रेक्स ही मिलती है। फुल बॉडी क्लैडिंग आप यहाँ पर इस कार की देख सकते हैं। बाकी ओवर वीएम्स के ऊपर आपको यहाँ पर इसका मिलता है साइड टर्न इंडिकेटर एंड इस वेरिएंट के अंदर आप यहाँ पे ओवर वीएम्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। और इस ओवर वीएम के नीचे आपके यहाँ पर इसमें मिल जाता है कैमरा एंड जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 360 व्यू आपके यहाँ पे इसमें मिलता है और टोटल 4 कैमरास आपके यहाँ पर इस कार में दिए गए हैं। एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिल जाता है कार का साइड प्रोफाइल से। आपके यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी, जिसके अंदर आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही साइड्स पे दिया गया है। और अब डायमेंशंस की बात करें तो गाइस इस कार की ऑल ओवर लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1790 mm और हाइट है 1685 mm। व्हील बेस आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाता है 2500 mm का, जिसकी वजह से इंटीरियर स्पेसिंग आपको यहाँ पर इस कार में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस इस कार की 190 mm। चलिए अब बात कर लेते हैं कार के बैक प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की इसकी LED टेल लैंप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है ब्रेजा की बैचिंग, ऊपर आपको दिया गया इस पर सुजुकी का लोगो एंड ओवरऑल कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिल जाता है कार का बैक प्रोफाइल से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको इसे मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग और यहाँ पर आपको इस पर दिया गया इसका चौथा कैमरा। बाकी नीचे की साइड पर आपको यहाँ पे इस पे 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए, 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए और सिल्वर कलर की आप यहाँ पे भी स्किड प्लेट इसकी देख सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर तीनों चीज़ें दी गई हैं टॉप एंड वेरिएंट, तो ये आपको मिलना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर आपके इस पे ब्रेक लाइट मिल जाती है, जो कि LED में मिलती है। और रूफ पर आपके यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स और आगे की साइड पर यहाँ पे सनरूफ भी दी जाती है। बाकी अगर बात करते हैं ओवरऑल साइड के लुक की, तो कुछ ऐसा आपको कार का कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक मिल जाता है। चलिए अब चल लेते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स को। तो गाइस यहाँ पर आपको इस पे दिया गया एक रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए एंड ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर पैड, जो कि आपको मिल जाता है ड्यूल टोन ब्लैक एंड ब्राउन कलर के अंदर। यहाँ पर आपको इस पे दिए गए ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल, साथ ही आपको उसके आगे मिल जाते हैं ओवर वीएम के कंट्रोल्स। बाकी जो आपको यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग मिलती है आमरेस के ऊपर ही काफ़ी अच्छी है। नीचे आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिलता है, बॉटल होल्डर मिलता है और ऊपर आपको यहाँ पे इस पे ट्विटर दिया गया है। और डोर ओपनिंग की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है।
अंदर आती है आपको यहाँ देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट, जिसकी आप यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक मिल जाता है इस कार के डैशबोर्ड का। और अब कीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की कीज़ ऑफर की जाती है, जो कि आती है लॉक और अनलॉक के ऑप्शन के साथ। पीछे साइड पर आपको इसमें पूरी ग्लॉसी ब्लू फिनिशिंग मिल जाती है। चलिए अब कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन। आपको यहाँ पे इसमें मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि आता है पूरी वाइट इल्यूमिनेशन के साथ। सेंटर में आपको दी गई है एमआईडी स्क्रीन। राइट में आपको उसके मिल जाता है स्पीडोमीटर, जिसकी मार्किंग है 220 तक। लेफ्ट में आपको मिलता है आरपीएम मीटर। एंड इन्हीं दोनों मीटर्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है इंजन टेम्परेचर मीटर और साथ ही फ्यूल मीटर भी। एंड ऐसे कुछ आपको यहाँ पे इसमें वॉइस कमांड सुनने को मिल जाते हैं। बाकी जो इसकी एमआईडी स्क्रीन है उसके अंदर आपको यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल शो हो जाती है, जो कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपके से पावर एंड टॉक मीटर्स, मोशन सेंसर वगैरह सब कुछ दिया गया। साथ ही आप यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम के इंजन, मोटर, बैटरी, ये सब डिटेल्स भी देख सकते हैं। बाकी एवरेज रेंज, ये सब बेसिक तो आपको यहाँ पे पता ही है कि मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का डी कट फुली लेदर आप स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग ऑफर कर देता है। यहाँ पर आपको इसके ऊपर दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल के लिए कंट्रोल्स। इस साइड पर आपको मिल जाते हैं मीडिया कंट्रोल्स। मीडिया कंट्रोल्स के बिल्कुल नीचे आपको मिलते हैं टेलीफोनी कंट्रोल्स। और पीछे आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं हेडलैम्प के लिए टॉगल। एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ इस वेरियंट के अंदर मिल जाते हैं। इस साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके से मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर वाइपर के लिए टॉगल। एंड अगर बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप इस वेरिएंट के अंदर स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको एक एसी वेंट दिया गया, जो कि आता है ब्राउन सराउंडिंग्स के साथ। तो साथ ही आपको यहाँ सिल्वर इंसर्ट भी इसके सराउंडिंग्स पर मिल जाते हैं। नीचे आपको मिलते हैं HUD के कंट्रोल्स। HUD है आपकी ये वाली हेड्स अप डिस्प्ले, जिसको की कहते हैं। फिर आपको उसके बाद मिल जाता है 360 व्यू के लिए कैमरा का बटन। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे आपके कैमरा का व्यू शुरू हो जाएगा एंड पूरा 360 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कार की सराउंडिंग्स का। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच। एंड जैसे आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे ऑन या ऑफ हो जाएगा। यहाँ आपको मिल जाता है ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच। यहाँ आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलर। HUD की अगर बात करें तो वो कार को स्टार्ट करने के बाद ही एक्टिवेट होगी। यहाँ से आप कार को इस पर स्टार्ट कर सकते हैं एंड कुछ ऐसे HUD यहाँ पे इस कार की ओपन हो जाती है। HUD के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह सब शो हो जाती हैं, जैसे कि अभी ये स्टार्ट हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो लिखा है। लो फ्यूल आपको यहाँ पे वार्निंग मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे नीचे की तरफ भी देख सकते हैं कि फ्यूल इस कार में काफ़ी कम है, तो लो फ्यूल आपको यहाँ पर इस पर देखने को मिल रहा है। बाकी डिजिटल स्पीडोमीटर आप वहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ पे RPM मीटर वगैरह भी सब कुछ इस पर शो हो जाता है। तो वैसे तो काफ़ी बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर इसमें मिल रहा है। बलेनो के अंदर ये मिलना शुरू हुआ था एंड इसमें भी अभी आपको दिया जा रहा है। बाकी अब एक बार बंद कर देते हैं कार को एंड बात कर लेते हैं इस कार के डैशबोर्ड लुक की। तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिल जाता है इस कार का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। सेंटर में आपको यहाँ पर इस कार के मिल जाता है एक 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ। इसके अंदर आपको यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले दोनों दिए गए हैं। और आपको यहाँ पे AM/FM, USB और ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है। और साथ ही आप इसी डिस्प्ले के अंदर आपको सभी की सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके कार के रिगार्डिंग भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आपकी कार के अंदर कभी कोई दिक्कत वगैरह कुछ आती है तो उसकी वार्निंग्स वगैरह भी आपको यहीं पे इसमें सब कुछ शो हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ पर इसमें मिल रहा है। इजी टू यूज़ है पूरा, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत इसको यूज़ करने में नहीं आने वाली है। वॉइस कमांड्स का भी फीचर आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। बाकी ग्लॉसी ब्लैक आपको यहाँ पर इसकी पूरी सराउंडिंग्स दी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ आपको इसमें एक सिल्वर लाइनिंग दी गई है, जो कि पूरी आगे से जाकर घूम के आ जाती है यहाँ गेयरबॉक्स के पास तक। उसके बाद यहाँ आपको इसमें दो एसी वेंट्स दिए गए। सेंटर में मिलता है आपको हजार्ड लाइट का स्विच। फिर आपको मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल्स एंड फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ इस वेरिएंट के अंदर दिया गया है। फिर आपको मिल जाता है एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, एक USB का पोर्ट और साथ ही इसका वायरलेस चार्जिंग पैड, जो कि मेरे हिसाब से मारुति की पहली कार है जिसके अंदर ये ऑफर किया जा रहा है। बाकी जैसे आप यहाँ पे अपना फोन रखेंगे, जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, वो यहाँ पे आपका चार्ज होने लग जाएगा। गियरबॉक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का 5-speed का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। बाकी आपको इस वेरिएंट के अंदर 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया गया है। और इसमें रिवर्स गियर लगाते ही आपको मिलेगा आपके रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले, जिसकी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। साथ ही आपको मिल जाएगा आपके 360 कैमरा का व्यू भी। यहाँ से आप इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले व्यू एंगल इसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी गाइडलाइंस जो आपको यहाँ पे मूविंग दी जाती है, तो ये भी एक फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। बाकी जो पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले, वो आपको यहाँ पे आपकी एमआईडी स्क्रीन के अंदर भी शो हो जाता है। उसके बाद आपके यहाँ इसमें मिलती है कुछ स्टोरेज स्पेस, साथ आपको मिलती है
हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक के साथ आपको मिलता है दो बॉटल होल्डर्स, जिनमें से एक के अंदर मैंने अभी फिलहाल रखा हुआ है इन्वॉल्व का एम्बर एयर स्प्रे, जिसे कि आप भी ज़रूर से अपनी कार के अंदर रखें। और ना गाइस, ये छोटी सी बॉटल आपको देखने में लगती है, बट ये इजीली अराउंड 2 to 3 months तक लास्ट कर जाती है। और इसके साथ आपको यहाँ पे एक हैंगिंग टैग भी मिलता है, जिसके ऊपर कि आपको इसे कुछ इस तरीके से 2 से 3 बार स्प्रे करना होता है, एंड उसके बाद पूरी कार के अंदर इसकी फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिकली फैल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया फ्रेग्रेंस ओवरऑल इसकी है, तो ज़रूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको मिलता है इसका आर्मरेस्ट, जो कि आप स्टोरेज स्पेस के साथ एंड मूविंग आर्मरेस्ट आपको यहाँ इसमें मिल जाता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। सीट्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की ब्लैक एंड ब्राउन कलर के अंदर फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती है, जो कि आती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, एंड ये सीट्स ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंफर्ट एंड कुशनिंग प्रोवाइड कर देती है, एंड कुछ इस तरह के डिज़ाइन पैटर्न के साथ ये आती हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं ये ओवरऑल। सेफ्टी में आपको यहाँ पर इस कार के अंदर 6 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं स्टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, और आपको यहाँ पे ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको इसका मिल जाए ग्लव बॉक्स, जो कि आता है कूलिंग के फंक्शन के साथ, और ऊपर की साइड आपको यहाँ सनशेड के अंदर मिल जाता है इसमें वैनिटी मिरर। बाकी यहाँ पे एक लाइट भी इसमें दी जाती है, जो कि आती है हेलोजन में। यहाँ आपको दिया गया है ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ आपको इसमें मिल जाती हैं 2 रूफ लाइट्स, जो कि आपको मिलती हैं हेलोजन में, और यहाँ आपको इसमें मिल जाता है सनग्लास होल्डर। और इस साइड की अगर बात करते हैं, तो इस साइड आपको यहाँ पर इसमें दिया गया टिकट होल्डर। एंड अब आपको एक चीज़ ऐसी दिखने वाली है इस कार के अंदर, जो कि पहली बार मारुति कार में आई है, और वो है सनरूफ। यहाँ पर आपको इस कार के अंदर अब सनरूफ ऑफर की जाती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। एंड ओपनिंग की अगर इसके बात करें, तो काफ़ी वाइड ओपन ये हो जाती है, आपको कुछ इतना यहाँ पे एरिया इसमें मिल जाता है, एंड काफ़ी एयरी फील होता है जब ये पूरी सनरूफ ओपन हो जाती है। बाकी कुछ इस तरीके से आप इसे यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं, बट जो इसकी ब्लाइंड है उसको आपको यहाँ पे मैन्युअली कुछ ऐसे बंद करना पड़ेगा। और अब वारंटी पैकेज की बात करें, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर 2 years and 40,000 kilometers की वारंटी एज स्टैंडर्ड मिलती है, जैसे कि आप अप टू 5 years and 1 lakh kilometers तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और एक्सटीरियर बॉडी कलर ऑप्शंस अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अब चल लेते हैं कार की बैक सीट में, एंड चलकर चेक कर लेते हैं इस कार का बैक सीट कंफर्ट। तो ये गाइस, इस कार का बैक डोर, जो कि आपको सेम मिल जाता है फ्रंट डोर की तरह ही, ड्यूल टोन ब्लैक एंड ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर आपके से पूरी ब्राउन फैब्रिक फिनिशिंग दी जाती है आर्मरेस्ट के ऊपर। यहाँ आपको मिल जाता है पावर विंडो का स्विच, नीचे स्पीकर दिया गया, साथ ही आपको मिल जाता है एक बॉटल होल्डर भी, और जो डोर हैंडल है आपको यहाँ पे इस पे क्रोम में दिया जाता है। डोर ओपनिंग की बात करें, तो गाइस ये वाला डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो जाता है, कार के अंदर बैक सीट पे एंटर या एग्जिट करने में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आते ही आपको यहाँ देखने को मिलते हैं 2 adjustable type के हेडरेस्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर दिया जाता है, जो कि आता है 2 bottle holders के साथ। एंड अगर बात करते हैं डैशबोर्ड लुक की, तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिल जाता है इस कार का बैक सीट से। ऊपर की साइड पर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सनरूफ का व्यू देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नीचे आपको यहाँ पर इस पे 2 AC vents मिल जाते हैं, AC vents के नीचे आपको यहाँ पे एक USB Type-A और एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। बाकी फ्लोर पे हम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा, इस वजह से कोई खास दिक्कत वैसे नहीं आने वाली है। मैप पॉकेट्स आपको यहाँ दोनों ही सीट्स के पीछे दी गई हैं, जो कि एक अगेन काफ़ी अच्छी बात है। स्पेस की अगर बात करते हैं, तो गाइस मेरी हाइट 6 feet है, एंड जो फ्रंट सीट है वो मेरी नॉर्मल सेटिंग पोजीशन के हिसाब से सेट है, और फिर भी इस कार के अंदर काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मेरे को यहाँ पे मिल पा रहा है, तो स्पेस के मामले में यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी रूफ लाइट आपको यहाँ पर इस पर नहीं मिलने वाली है, 2 आपको वहाँ आगे मिलती है और 1 आपको यहाँ पीछे इस पर दी जाती है, जो कि आप कुछ इस तरह से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी हेलोजन भी आपको ये मिलती है, तो ये LED में रहती तो काफ़ी ओवरऑल बढ़िया रहता। यहाँ आपको इस पर कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल दिया गया, जो कि आता है कोट हुक के साथ। एंड ओवरऑल ना, इस कार की बैक सीट में 2 adults and 1 kid ईजिली बैठ सकते हैं। और अब चल लेते हैं कार के बाहर, एंड चलकर चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया। तो गाइस, इस कार के टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन, जिसको कि प्रेस करके आप इसका टेलगेट ओपन कर पाएंगे। साथ ही आपको इसका मिलता है 4th कैमरा। एंड अगर बात करते हैं बूट की, तो यहाँ पर आपको इसे पार्सल ट्रे दी जाती है इस वेरिएंट के अंदर। एंड स्पेस की अगर बात करें, तो 328 liters का आपको यहाँ पर इस कार के अंदर बूट स्पेस दिया गया है, जिसके अंदर कि आप यहाँ पे बड़े आराम से 3 से 4 बड़े बैग्स को कैरी कर सकते हैं।
बूट लाइट की अगर बात करें तो बूट लाइट आपको यहाँ पर इस पे इस साइड पर दी जाती है जो कि आती है हेलोजन बल्ब के साथ, साथ ही आपको यहाँ पे इसमें एक और हुक भी इस पे दिया गया है। बाकी जो रियर सीट्स हैं उन्हें आप यहाँ पे 60-40 स्प्लिट वे में फोल्ड कर सकते हैं जो कि एक काफी अच्छी बात है। बाकी इसके नीचे की साइड पर आपको यहाँ पर इसमें इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि एक स्टील व्हील मिलता है, बट जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम ही इस पे दिया गया है। और अब बंद कर देते हैं इसके टेलगेट को एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस की। तो गाइज इस पर्टिकुलर कार मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 ZXi प्लस मैनुअल वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 12.30 लाख रुपीस और ये ऑन रोड आपको चंडीगढ़ में पड़ जाती है 13.80 लाख रुपीस की। तो गाइज आपकी कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप इस कार का कोई और वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वेरिएंट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इन्वॉल्व के एम्बर एयर स्प्रे का, जिसे कि जाकर आप जरूर से बाय करें ताकि आप भी मेरी तरह अपनी कार के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस का मजा ले सकें। एंड इसके एंड इन्वॉल्व की कंप्लीट रेंज के ऊपर फ्लैट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए द कार शो कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये थी गाइस कंप्लीट वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।